वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। सो अज की इस वीडियो के आप गल कर जा रहे हैं ईटीटी कैडर के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिंदा नाम है इंट्रो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमैट्री का ही पार्ट है, जिवें कि क्लास 10 के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमैट्री 8th चैप्टर है, तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री 9th चैप्टर है। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री के आप बिल्डिंग की हाइट, किसी ब्रिज की हाइट, कुछ योजे आपश्चन दिते हो। इन्हें दो मेन चीजें होंगे, एक होंगी एंगल ऑफ एलीवेशन, एक होंगे एंगल ऑफ डिप्रैशन। एंगल ऑफ एलीवेशन कदों बनता है, जो थले खड़ के उपर किसी चीज़ को देख रहे हैं उदो बनता है एंगल ऑफ एलीवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रैशन कदों बनता है, जो उपर बह के थले किसी चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, उदो की बनता है एंगल ऑफ डिप्रैशन। तो आप एक इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे गल कर जा रहे हैं। सब तो पहली ट्रिक है उन्हें की है, जो आप किसी बिल्डिंग तो थोड़ी दूर खड़े हैं, बिल्डिंग के टॉप में देख रहे हैं, सडनली आप थोड़ी दूर गए चले बिल्डिंग तो, फिर बिल्डिंग के टॉप में देखिया, ठीक है, कुछ एंगल बनेगा, तो उन्होंने की रिलेशन बनता है उस चीज़ के बारे आप डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहला अपने को फॉर्मूला है, जो एंगल ऑफ एलीवेशन किन्ने 30 डिग्री से 60 डिग्री। हुण क्वेश्चन किस तरीके बनेगा इसका, ठीक है, देखो मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो थोड़ी दूर एक पॉइंट है ए वाला, ठीक है, इस एक पॉइंट है, इस पॉइंट तो इन्हें टॉप का जो एंगल है वह कि बन गया 60 डिग्री बन गया। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिंदी अपने को हाइट की दी है ए बी दी है, जिंदी हाइट की है ए बी, सी के उपर कोई पॉइंट है, सी के उपर पॉइंट तो इन्हें टॉप में देखा गया एंगल कि बन गया 60 डिग्री। उस तो कुछ देर बाद ए वाला पॉइंट इस पॉइंट से गया चला डी पॉइंट से, ठीक है, डी पॉइंट से जाके अगेन इन्हें टॉप में देखा, ठीक है, इन्हें टॉप में, हुण एंगल ऑफ एलीवेशन कितना बन गया अपने को 30 डिग्री बन गया। तो आप की है बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, ए डिस्टेंस कितनी है, ए वाला की है, ठीक है, इन्हों तिना दे विचों कोई एक चीज़ तुम्हें दिती होगी, जब तक ए बी दिता होगा या बी सी दिता होगा या सी डी दिता होगा, तिना दे विचों कोई एक दिता होगा, बाकी दो आप की है फाइंड करने हैं। इन्हें नाल दी एग्जाम्पल कितों है, जदों मतलब कि सूरज का कोण है, जिवें कि सूरज पहला इत्थे सीगा, ठीक है, तो इतने बन रहे उसका परछावा, फिर सूरज इतने आ गया, परछावा इतों तक पहुंच गया, तो आप बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, या इन्हें नाल का क्वेश्चन की है, एक नहर है, नहर के एक किनारे एक टावर है, ठीक है, दूजे किनारे तो इन्हें टावर के टॉप में देखा गया एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। उस तो बाद जो बंदा टावर के टॉप में देख रहा है वह की है 20 मीटर दूर गया चला, मतलब डी पॉइंट तक गया चला, इस पॉइंट से जाके इन्हें अगेन ए नूं देखिया तो एंगल कितना बन गया 30 डिग्री बन गया। आप पता करना है नहर की चौड़ाई कितनी है तो टावर की हाइट कितनी है, ठीक है, कुछ योजे क्वेश्चन के उपर बेस्ड बनते हैं। तो इन्हें विचाले रिलेशन की है, तो सीधा यह याद रखो जो ए बी है वह हमेशा की होएगा बी सी अंडर रूट 3 के बराबर होएगा, ठीक है, तुसी नेमिंग इस तरीके ही करो हमेशा ए बी सी ते डी, तो फिर तुहानू ट्रिक की है जल्दी याद रहेगी, ए बी का बराबर होंगे बी सी अंडर रूट 3 के बराबर होंगे, जो बी सी है बी सी का बराबर होएगा सी डी का हाफ होएगा हमेशा, ठीक है, ये चीज़ तुसी की है याद रखनी है, ठीक है, जिहड़ा ए बी है हाइट है वो का बराबर होएगी बी सी अंडर रूट 3 के बराबर, तो बी सी का बराबर होएगा सी डी बटा 2। हुण मैं एक एग्जाम्पल लैके चलदा, मान लो अपने को नहर है, ठीक है, ये अपने को बी तो लैके सी तक एक नहर है, नहर की चौड़ाई कितनी है मैनू नहीं पता, ठीक है, नहर के एक किनारे से एक टावर लगा हुआ, टावर की हाइट कितनी है यह भी नहीं पता, इस पॉइंट तो दूजे किनारे तो इन्हें टॉप में देखा गया कितना एंगल बन गया 60 डिग्री बन गया, ठीक है, कितना एंगल बन गया 60 डिग्री। उस तो बाद जो सी पॉइंट है वह मूव करके कितने गया चला डी पॉइंट से गया चला, कितने मीटर दूर गया 40 मीटर दूर गया चला, किन्ने मीटर दूर गया चला 40 मीटर दूर गया चला। हुण आपां पता करनी है टावर की हाइट कितनी है तो नहर की चौड़ाई कितनी है, तो तुहानूं हुणे ट्रिक लिखाई है, ए बी का बराबर होंगे बी सी अंडर रूट 3, तो बी सी का बराबर होंगे सी डी बटा 2 के बराबर होंगे, ठीक है, तो तुसी की करना है पहला बी सी फाइंड करना है, बी सी किवें आएगा, बी सी होंगे सी डी का हाफ, सी डी कितना 40, 40 नूं 2 नाल डिवाइड किया तो बी सी कितना आ गया 20 मीटर आ गया, ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। उस तो अगे की पता करना आप ए बी पता करना, मतलब टावर की हाइट कितनी है, तो आपको पता है ए बी ते बी सी विच रिलेशन की है, ए बी का बराबर होंगे बी सी अंडर रूट 3 दे, तो ए बी कितना आ गया अपने को बी सी की वैल्यू 20 नाल रूट 3, तो अपने को ए बी कितना आ गया 20√3 मीटर आ गया, ठीक है, तो यह ट्रिक तुसी याद रखनी है, जिहड़ा ए बी है वो का बराबर होंगे बी सी अंडर रूट 3 दे, ते बी सी का बराबर होंगे सी डी बटा 2 दे, ठीक है, इन्हां तिना विचों कोई एक चीज़ दिती होएगी, या तो ए बी दिता होएगा या बी सी दिता होएगा तो या सी डी दिता होएगा, तो इस तरीके नाल तुसी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सैकेंड
सेकंड जदों आपां नूं एंगल ऑफ एलिवेशन किन्ने दिते होणगे 30 डिग्री ते 45 डिग्री, ठीक है। हुण आपां नूं एंगल ऑफ एलिवेशन की हो गए चेंज हो गए, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन की है इत्थे 45 डिग्री आ गया ते इत्थे किन्ना रह गया अपने कोल 30 डिग्री रह गया। एक गल तुसीं याद रखनी है, जिन्ना आपां बिल्डिंग तो दूर जावांगे उन्ना एंगल की है छोटा होंदा जाएगा, जिन्ना बिल्डिंग दे नेड़े आवांगे उन्ना की एंगल वड्डा होंदा जाएगा। जिवें आपां कंध वल जा रहे हां, कंध दे बिल्कुल थले जाके धौण इस तरह चकनी पैगी उपर नूं, ठीक है, मतलब एंगल वध गया। जिन्ना दूर जावांगे अपनी उन्नी निगाह की है थले नूं आउंदी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपां दूर जा रहे हां टावर की हाइट तो सेम है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की हुंदा उत्थे घट हुंदा। तो यह तुसीं की याद रखना है, पहली गल तो यह याद रखनी जिहड़ा ए बी आ वह हमेशा किन्दे बराबर होएगा बी सी दे बराबर होएगा, ठीक है। ए बी हमेशा किन्दे बराबर होएगा बी सी दे बराबर होएगा, ठीक है। जिन्ना ए बी है सेम ही की होएगा बी सी, मान लो ये 20 है तो यह भी किन्ना होएगा अपने को 20। हुण बी सी का दे बराबर होएगा, बी सी होएगा सी डी बटा दो ते नाल की आ जाएगा अंडरूट 3+1 आ जाएगा, ठीक है। जिहड़ा बी सी है वह कादे बराबर हो जाएगा सी डी बटा दो, ठीक है, ते नाल की आ गया अंडरूट 3+1 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने को तुसीं याद रखना है, ठीक है। बी सी का दे बराबर होगा सी डी बटा दो ते नाल की आ गया अंडरूट 3+1 आ गया, ठीक है। इस तरीके नाल तुसीं ये क्वेश्चन इहनूं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बनिया कित्थों, आपां बना भी सकते हैं क्योंकि आपां नूं पता है जिहड़ा ए बी है ए बी बटा बी डी कादे बराबर होगा टैन 30 डिग्री, किन्ना हो जाएगा टैन 30 डिग्री, ठीक है। हुण टैन 30 डिग्री किन्ना हुंदा, टैन 30 हुंदा 1/√3 दे बराबर हुंदा, यही आ गया अपने कोल। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो बी डी का दे बराबर आ जाएगा ए बी अंडरूट 3 दे बराबर, ठीक है। हुण ए बी की वैल्यू का दे बराबर है बी सी दे बराबर, ठीक है। सो बी डी का दे बराबर आ गया बी सी अंडरूट 3। हुण अपने कोल की है जिहड़ा बी डी है वह का दे बराबर हुंदा बी सी प्लस सी डी दे बराबर, ठीक है, बी सी प्लस सी डी, क्योंकि बी तो लैके डी तक जाना है तो रस्ते कितने रुकना पएगा सी ते रुकना पएगा, तो बी सी प्लस की हो गया सी डी इक्वल टू बी सी रूट 3। तो दैट मीनस बी सी रूट 3 माइनस 1 का दे बराबर हो गया सी डी दे, सो बी सी का दे बराबर आ गया सी डी बटा रूट 3 माइनस 1। जदों रैशनलाइजेशन करोगे तो यह चीज़ अपने को बनेगी, तो तुसीं सीधा याद रखो आप पंगे विच पैन की लोड़ नहीं तुहानू, ठीक है। तुसीं सीधा याद रखो ए बी का दे बराबर होएगा बी सी दे बराबर होएगा, तो बी सी का दे बराबर होएगा सी डी बटा दो नाल की आ गया अंडरूट 3+1। तो अंडरूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में आलमोस्ट दिती होंगी है 1.73 होंगी है, ठीक है। वैसे तो इररैशनल नंबर है कदे खत्म नहीं होंगे, पर आप कि डेसीमल तो बाद दो डिजिट लैके चलते हैं तो अंडरूट 3 का दे बराबर होंगे 1.73 के बराबर, ठीक है। नैक्सट अगली ट्रिक, जो अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन किन्ने हो गए 60 डिग्री ते 45 डिग्री, ठीक है। तीन तरह के क्वेश्चन बन गए जे इस तरह के कोई क्वेश्चन आता, ठीक है, तो तिने ट्रिक मैं तुम्हें दस देना। हूँ इतने एंगल की आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, इतने एंगल की आ जाएगा अपने को 45 डिग्री। तो तुम एक गल होर याद रखनी है जो ए बी है हूँ किन्दे बराबर हो जाएगा बी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए बी किन्दे बराबर हो जाएगा बी डी, जिन्ना ए बी है सेम या बी डी हो जाएगा, ठीक है। उस तो बाद आप बी सी का देखिए तो बी सी अगेन की होगा सी डी बाय दो ते नाल की आ गया अंडरूट 3+1 दे बराबर, ठीक है। ये अपने कोल कादी ट्रिक बन गई बीसी ली ट्रिक बन गई, ठीक है। बीसी दी ट्रिक अपने कोल की बन जाएगी सी डी बटा दो नाल की आ गया अंडरूट 3+1, ये दोवें सेम है, ठीक है। बस इतने फर्क आएगा उत्थे की सी ए बी इक्वल टू बी सी सी कदों जो 45 डिग्री 30 डिग्री सी, तो ये वाला दोवें च की रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। इस तरीके नाल तुसीं याद रख सकते हो तिना दे विचों कोई एक वैल्यू दिती होएगी बाकी तुसीं खुद की है फाइंड कर सकते हो। मान लो आपां नूं सी डी दिता होया इतने सी डी पर आगे बी सी आ जाएगा तो उस तो बाद की बी सी तो की आ जाएगा ए बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके नाल तुसीं इहनूं की है कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी अगली ट्रिक्स अगली वीडियो दे विच आपां शेयर करांगे। थैंक यू वेरी मच।